नमस्कार दोस्तों, बिजनेस दोस्त यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो बिजनेस रिलेटेड वीडियो से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अननेसेसरी खर्चा हमारे देश में टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज़ में हो रहा है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश मैंने की है इस वीडियो के माध्यम से, ताकि बदलाव की तरफ हम कुछ कदम रख सकते हैं, कुछ उम्मीद रख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने तीन चीज़ों को कवर किया है। एक है रोड, जो अननेसेसरी खर्चे करके रोड किए जाते हैं और अच्छे रास्ते को तोड़कर बनाए जाते हैं। फुटपाथ कवर किया है और बस स्टॉप कवर किया है। दोस्तों मैं आपको पूरा ये रोड दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, तो इस रास्ते को सिर्फ रिपेयरिंग की ज़रूरत थी। ये रास्ता कम से कम 5 साल चल सकता था, क्योंकि इनके पास फंड्स लाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अच्छे रास्ते को तोड़ते हैं, फंड्स पास करा के लेते हैं। इसका कोटेशन लगभग 40 से 50 करोड़ का इसका कोटेशन है। ध्यान दीजिए, 40 से 50 करोड़ के कोटेशन में अच्छे रास्ते को तोड़ के वापस कंक्रीट का रास्ता ये बना रहे हैं। अगर ये 50 करोड़ ये किसी गांव में डालते थे, ये MLA है, कॉरपोरेटर है, क्या ये अपना घर कभी तोड़ते हैं? जब आपके घर में कभी कुछ काम निकलता है तो क्या आप पूरी घर पूरा तोड़ते हो? उसका कंस्ट्रक्शन जैसे पिलर बीम तोड़ के बनाते हो? नहीं बनाते हो ना। उनका जो टैक्स का पैसा है, इसका क्यों आप इसके साथ क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? देखिए, ये अच्छा रोड तोड़ा हुआ है और ये अच्छा रोड देखिए, यहाँ पे रोड की कंडीशन देखिए। अभी ये देखो पूरा खुदा हुआ है। ये पहले बनाए हुआ रोड का पूरा बाहर फेंकेंगे, फिर उसके बाद में ये नया रोड बनेगा। और ये अभी लेफ्ट साइड वाला ये जो रोड है, इसको अभी तोड़ेंगे, ये कल नहीं तो मतलब कुछ दिनों में इसको भी तोड़ेंगे और ये भी रास्ता नया बना देंगे। अभी इनका अगला स्ट्रेटजी क्या रहेगा वो भी आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये जो आपको चेम्बर दिख रहा है यहाँ पे, ये कार के पीछे ये जो आपको चेम्बर दिख रहा है, ये चेम्बर देखो, या फिर यहाँ पे भी एक चेम्बर है देखो। ये 3-4 सालों में ये फिर से चेम्बर जाम हो गया, चेम्बर बदलना है, बड़ा चेम्बर डालना है, उस नाम पे ये वापस 2 से 3 साल में इसका खुदाई करेंगे। अब ये जो रास्ता दिख रहा है, ये नया बनाया हुआ कंक्रीट का रास्ता है। ये डिवाइडर बनाएंगे, ये फुटपाथ जो है इसको बनाएंगे। आपको और दिखा, मेरी आपसे गुजारिश है, आपके भी शहर में अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर ये विरोध नहीं करेंगे तो ऐसी चीज़ें बढ़ती जाएंगी और इसका टैक्स जो है ये सिर्फ आखिर में लोगों को ही भरना पड़ेगा। ये जो बस स्टॉप दिख रहा है आपको, ये अभी नया बनने का काम चल रहा है। ये बस स्टॉप पहले लकड़ी का हुआ करता था, अब इसको इन्होंने तोड़ के स्टील का बनाया है। अब ये पीछे बस स्टॉप लग रहा है, ये देख रहे हो आप, अब ये इसको रिप्लेस कर देंगे। लकड़े को पहले इन्होंने चेंज किया था, ये बस स्टॉप अच्छे कंडीशन में आप देख सकते हो, बहुत अच्छे कंडीशन में लकड़े को तोड़ के इन्होंने स्टील में बनाया है। और अभी ये पीछे वाला जो बस स्टॉप है, इन्होंने नया लाया हुआ है, उसको अभी बदल देंगे। अब मुझे बताइए, इस बस स्टॉप को बदलने की क्या ज़रूरत? आप देखो कि गांव में, कई शहरों में बस स्टॉप नहीं है लोगों के लिए। अब यहाँ पे आप अच्छा बस स्टॉप तोड़ देंगे, अभी इसको स्क्रैप कर देंगे, इसको कचरे के भाव में बेचेंगे। और सबसे बड़ी बात, लोग जो है, ये लोग कुछ कहते ही नहीं है। जब तक लोग कुछ नहीं कहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसको डेवलपमेंट नहीं कहते हैं, ये मतलब घाटे में जाने का काम चल रहा है। तो दोस्तों ऐसे अगर चलता रहा तो धीरे धीरे गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाएगी। अब देखिए, ये रास्ता जो है ये भी टूटने वाला है, अगले 2-4 दिनों में टूट जाएगा। ये रास्ता पूरा तोड़ देंगे, फिर यहाँ पे नया कंक्रीट का रास्ता बनेगा और 2-3 साल के बाद उसको भी तोड़ देंगे। देखिए, ये पूरा डिवाइडर और ये पूरा रास्ता टूटने वाला है अगले कुछ दिनों में। ये दोस्तों कैसे अच्छे फुटपाथ को तोड़ के, देखिए ये, आ जाओ, देखिए ये फुटपाथ देखिए, देखो ना, देखिए ये फुटपाथ देखिए, इतना अच्छा कंडीशन में ये फुटपाथ है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 साल चल सकता है। अब ये इतना लंबा फुटपाथ तोड़ के नए फुटपाथ, अगर ऐसा चलता रहा, अगर आप आपके अच्छे घर को तोड़ के नया घर बनाओगे, पुराने घर अच्छा कंडीशन में जो है उसको नुकसान करेंगे, तो क्या इससे देश का प्रगति होगा? तो मैं अभी आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा कितना लंबा ये फुटपाथ है और उसको तोड़ के वापस बनाने का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों के टैक्स के पैसे की लूट हो रही है। देखिए दोस्तों, ये फुटपाथ देखिए कितना लंबा अच्छा कंडीशन का फुटपाथ है। देखिए इतने अच्छे कंडीशन में ये फुटपाथ है जिसको तोड़ने का काम चल रहा है।
देखिए दोस्तों इस फुटपाथ की कंडीशन देखिए, अभी ये टूटा हुआ कुछ साइड में निकाले हुए ब्लॉक्स, शायद उसको बेच के वापस पाए। और इनके बजट जो होते हैं ये करोड़ों में होते हैं, लाखों में होते हैं, 20-25-30 लाख के ऊपर इनके बजट होते हैं। इतना पैसा अगर आप किसी गांव में डालेंगे, टाउन में डालेंगे, छोटे गांव में डालेंगे, तो हो सकता है उस गांव की तरक्की होगी। अब इससे कौन सी तरक्की आप कर रहे हैं, मेरा यही सवाल है कि आप कौन सा नया काम कर रहे हैं। देखिए वापस फिर से पूरा फुटपाथ तोड़ देंगे। ये जो फुटपाथ देख रहे हो आप, इतना अच्छा फुटपाथ है, अब इसको भी वापस तोड़ेंगे और वापस बनाएंगे। ये पैसा